हेलो दोस्तों, राना क्लासेज में आपका स्वागत है। तो बड़ी खबर आ रही है एप्लीकेशन स्टेटस के बारे में कि आप है जो कि आप चेक कर सकते हैं कि आपका स्टेटस है जो कि क्या हुआ है, रिजेक्ट हुआ है या हुआ है। तो एनटीपीसी का जारी कर दिया गया है। तो सबसे पहले जानते हैं कि आरआरबी एनटीपीसी में किन किन पदों पर भर्ती होनी है जो आप लोगों ने भरा है। तो जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट है जो कि आपको लेवल 2 की ये पोस्ट है। और ये फर्स्ट स्टेज, इसमें क्या क्या होगा, कॉमन फॉर ऑल पोस्ट होगा, कॉमन फॉर लेवल 2 सेकेंड स्टेज में होगा, टाइपिंग इसमें होगी। जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट में क्या होगा, टाइपिंग का स्किल टेस्ट है जो कि आपको देना होगा। अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट का भी ये लेवल 2 है, इसमें भी जो कि आपको है जो कि इसमें टाइपिंग है। जूनियर टाइम कीपर में भी टाइपिंग है, ट्रेंड्स क्लर्क में टाइपिंग नहीं है। तो इसमें 2 ही स्टेज है जो कि आपको होगा। अब आते हैं कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, इसमें भी आपको सेपरेट फॉर लेवल 3 पोस्ट के लिए इसमें रहेगा। उसके बाद ट्रैफिक असिस्टेंट में जो कि आपको सेपरेट फॉर लेवल 4 पोस्ट रहेगा, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड रहेगा। गुड्स गार्ड के लिए कॉमन रहेगा जो जैसे है। सीनियर कमर्शियल क्लर्क टिकट क्लर्क के लिए भी आपको CBT 1 CBT 2 रहेगा, लेकिन सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के आपको टाइपिंग स्किल टेस्ट रहेगा। जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट के टाइपिंग स्किल टेस्ट रहेगा। सीनियर टाइम कीपर के लिए भी टाइपिंग स्किल टेस्ट रहेगा। कमर्शियल अप्रेंटिस के लिए जो कि आपको कुछ नहीं रहेगा, आपको फर्स्ट और सेकेंड रहेगा, लेकिन स्टेशन मास्टर के लिए आपको साइको जो कि देना पड़ेगा। तो ये आपको पूरा विवरणी है। और सबसे अच्छी जो पोस्ट होगी ये आपको जो इसमें देख रहे हैं, 2 ही पोस्ट जो सबसे बड़ी मानी जा रही है वो है स्टेशन मास्टर और कमर्शियल अप्रेंटिस की। और लेवल 5 में है जो कि गुड्स गार्ड का एक कम है, लेवल 5 ही है। तो 2 बड़ी पोस्टें हैं इसमें, कमर्शियल अप्रेंटिस और स्टेशन मास्टर। उसके बाद अच्छा पोस्ट में अगर माना जाए तो गुड्स गार्ड, लेकिन जो लोग ऑफिस में काम करना चाहते हैं उनके लिए है कमर्शियल का। अगर आप इसको देख सकते हैं, कमर्शियल कम टिकट ट्रैफिक असिस्टेंट, ये भी ठीक रहेगा। ये सब पोस्ट है जो कि आपने चूज किया है, और इन सबों में अगर आपकी सिलेक्शन होती है तो आपका अच्छी रहेगी। तो पहले प्रोसेस जानते हैं इसका कितनी है। फर्स्ट स्टेज जो आपकी परीक्षा जो होनी है 15 दिसंबर से, उसमें जो मैथमेटिक्स है जो कि आपको 30 रहेगा, जनरल इंटेलिजेंस इंजीनियरिंग 30, और जनरल अवेयरनेस 40, मतलब 100 अंकों का ये रहेगा, 100% रहेगा, 90 मिनट का रहेगा, 1/3 है जो कि आपको निगेटिव रहेगा। तो मतलब साफ है कि आपको मैथ और रीजनिंग में यहाँ भी वैल्यूएशन है जो कि 60% है, तो बहुत ज़्यादा ये वैल्यूएशन है। और GKS का मात्र 40% है। तो अगर आपके मैथ और रीजनिंग बहुत अच्छी नहीं है तो आप है जो कि अभी समय है, आपको लगभग 2 से 2.5 महीने हैं, तो इसको है जो कि आप ज़्यादा प्रैक्टिस, सिर्फ GS के बदौलत आप जो कि इसमें रिजल्ट नहीं निकाल सकते हैं। तो यहाँ अगर आपको GS थोड़ी वीक हुई है और मैथ और जो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग अच्छी है तो आपके रिजल्ट के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। और क्या, सेकेंड स्टेज में आपको 120% रहेगा। यहाँ भी देख रहे हैं कि मैथ में मैथमेटिक्स और रीजनिंग का वैल्यूएशन ज़्यादा 70 है और जनरल अवेयरनेस 50, मतलब हर हाल में जो कि आपको मैथ और रीजनिंग का ही वैल्यूएशन दिखाई दे रहा है। फिर में क्या होगा, RRB एप्टीट्यूड टेस्ट होगा कंप्यूटर बेस्ड, जिसका जो कि TScore 42 जो क्वालिफाइंग मार्क्स है, उसके स्टेशन मास्टर, फिर टाइपिंग टेस्ट होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा आपका। ये पूरी प्रक्रिया है जो कि होगी, जिस पोस्ट के लिए टाइपिंग है उसमें टाइपिंग होगी, इसमें साइको है इसमें साइको होगी। तो ये उसके लिए है जो कि अभी से जो कि सेल्फ प्रैक्टिस है जो कि कंटिन्यू शुरू कर दें, और कर ही रहे होंगे क्योंकि, और जितने भी रेलवे के प्रीवियस ईयर्स के अगर सेट के मिलते हैं तो उसको आप बनाकर ख़त्म कर जाएं, चाहे वो 1990 से रहे, चाहे 1900, खाली करेंट अफेयर्स को आप उस पर ध्यान न दें, लेकिन बना ले सेट में। और अगर आप सेट नहीं बनाते तो उसको कम से कम जो हल प्रश्न पत्र जो आते हैं रेलवे के, उसको वन लाइनर भी है तो उसको भी आप पढ़ सकते हैं। इससे क्या होगा कि इससे पैटर्न पता चलेगा कि आपको ये प्रश्न है जो कि पूछे जाएंगे। और रेलवे में सबसे बड़ा अंतर अन्य परीक्षाओं की एक्यूरेसी चाहिए, क्योंकि 1/3 है, अगर आप 100 में अगर आप 70 भी बनाते, हार्ड क्वेश्चन है तो आपके से लगे, लेकिन आसान क्वेश्चन में आप 100 में 70 बनाएंगे तो CBT 1 में आप क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। तो उसके बाद जो नोटिस आया है उसकी चर्चा करते हैं। तो ये नोटिस आया, आप देख रहे हैं, नोटिस ऑन एप्लीकेशन स्टेटस, सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस CN नंबर 1/2019, नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी ग्रेजुएट एंड अंडर ग्रेजुएट। ये क्या है, तो आपको ये दोनों के लिए, पहला क्या है, प्रोविजनली एलिजिबल होंगे, दूसरा रिजेक्ट होगा। तो यही 2 है जो कि ऑप्शन है जो कि आप इसको देख सकते हैं। द लिंक प्रोवाइडेड ऑन द वेबसाइट रिस्पेक्ट RRB की वेबसाइट पर ये उपलब्ध रहेगा। SMS एंड ईमेल विल बी सेंड टू द कैंडिडेट एंड रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी।
एनी हिंज हर एप्लीकेशन हुज एप्लीकेशन इज रिजेक्टेड, रिजेक्ट रहेगा वो आपको मैसेज दिया जाएगा। स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन कैन बी व्यूड इंटरिंग द एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन नंबर एंड डेट ऑफ बर्थ ऑफ द कैंडिडेट इटीसी। द लिंक विल बी एक्टिव फ्रॉम 21 नौ से 30 नौ तक एक्टिव रहेगा, मतलब आप अपना देख सकते हैं कि रिजेक्ट हुआ है या प्रोविजनली है जो कि एलिजिबल है। प्रोविजनली एलिजिबल का मतलब हो गया कि आपकी सारी फॉर्म जांच ली गई है तो ये हो गया। मतलब एक चीज़ तो साफ है कि आपको रेलवे ने जो कि सारी जांच कर आपके फॉर्म की प्रक्रिया जो कि सही में पूरी कर ली है। उसके बाद है व्हाइल एवरी केयर हैज बीन टेकन इन प्रिपेयरिंग द लिस्ट ऑफ प्रोविजनली एलिजिबल कैंडिडेट्स आरआरबी रिजर्व द राइट रेक्टिफाई एंड इंटरवेंट एरर एंड टाइपोग्राफिकल प्रिंटिंग मिस्टेक। ये रखा है कैंडिडेट ऑफ ऑल एलिजिबल कैंडिडेट इज पुअरली प्रोविजनल एंड इज लीवल टू कैंसिल एट एनी स्टेज रिक्वायरमेंट प्रोसेस आउट देयर। मतलब आपने अगर गलत सूचना दी है या अच्छा से नहीं आया आवेदन में तो उसको जो कि रद्द करने का अधिकार रेलवे को है। तो बड़ी खबर क्या है कि 21 तारीख से जो कि आपको चेक कर सकते हैं, और चेक करने से फ़ायदा क्या है कि आप ये कन्फर्म हो गए कि चलो कम से कम आरआरबी एनटीपीसी की परीक्षा देनी है। अगर रिजेक्ट हो गया तो ये आपके लिए बैड लक होगा। जिस तरह ग्रुप डी में भी बहुत सारे लोगों ने काफ़ी नाराज़गी जताई थी कि किसी की फ़ोटो नहीं आया, किसी ने रिजेक्ट किया गया, तो ये आप लोगों के लिए एक मौका रहेगा। और अच्छी इससे भी खबर है कि अब परीक्षा सही में लेने की प्रक्रिया शुरू हो गया और 15 दिसंबर से उम्मीद है कि हर हाल में एनटीपीसी की परीक्षा होगी। और है जो कि आप है जो कि जल्द मान लीजिए सभी सारी प्रक्रियाएँ पूरी हो तो 2021 के लास्ट में ज्वाइनिंग हो सकती है। इसी उम्मीद के साथ धन्यवाद।